हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप गाइज आप मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर्स वाले फ्रेमवर्क के बारे में। गाइज, अगर आप साइबर सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग या फिर वेब एप्लीकेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर के लिए आपको सिंपली साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मैटरस्फ्लाइट के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। गाइज, मैटरस्फ्लाइट हमारा एक टूल्स है जो कि काली लिनक्स में प्रीबिल्ट इंस्टॉल आता है। गाइज, काली लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कह लीजिए एक के लिए पूरा हैकिंग का एक एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आप हर एक चीज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली मैटरस्फ्लाइट होता क्या है। गाइज, जैसा मैं आपको बताया, मैटरस्फ्लाइट एक टूल्स होता है जो कि काली लिनक्स में होता है, सिंपली प्रीबिल्ट इंस्टॉल आता है। गाइज, मैटरस्फ्लाइट हमारा एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है। तो गाइज, फ्रेमवर्क होता क्या एक्चुअली में? गाइज, फ्रेमवर्क कह लीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ अगर पानी की, देखो समुद्र की, देखो समुद्र एक कितना बड़ा होता है, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है रिगार्डिंग टू वाटर। अगर आपको देखो बहुत सी मछली देखनी है, तो आप समुद्र में मछली देख सकते हो। अगर आपको बहुत सी सीप देखनी है, तो आप सीप देख सकते हो। अगर आपको बहुत से औषधि पौधे देखने हैं, तो वो आपको समुद्र के नीचे, आपको पता है वहाँ पर रहते हैं। यानी कह लीजिए आप बहुत सी चीज़ देख सकते हैं समुद्र में, यानी आपको हर एक चीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलती। इसी प्रकार एक हमारा मैटरस्फ्लाइट टूल्स है जिसके थ्रू आप बहुत सा काम कर सकते हो। तो हम बात करते हो एक्चुअली मैटरस्फ्लाइट का यूज होता क्या है, यानी किस काम में होता है। तो गाइस, मैटरस्फ्लाइट का अगर मैं आपको मोस्टली यूज बताऊं, तो गाइस मैटरस्फ्लाइट के थ्रू आप इजीली कोई से भी पेलोड्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर यहाँ तक कि एक बात नहीं, मतलब ये बात नहीं कि आप पेलोड्स बात क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत सी चीज़ और बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैटरस्फ्लाइट। अगर कह लीजिए अगर आपको पेलोड्स नहीं समझ में आ रहा, तो आप वायरस बना सकते हो मैटरस्फ्लाइट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, अब बोलो भाई कौन से वायरस, किसके वायरस? गाइस, आप इजीली आप जो लैपटॉप होते हैं, फिर कह लीजिए जो लैपटॉप को पता है, विंडोज़ लैपटॉप होते हैं, फिर या फिर मैक को होते हैं जिसमें एप्पल्स का होता है, फिर कह लीजिए जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है, उसके लिए भी आप इजीली वायरस या फिर पेलोड्स बना सकते हो। अगर आपने एक बार पेलोड्स बना दिया और किसी भी सिस्टम, चाहे आपका मोबाइल हो गया, चाहे आपका कोई कंप्यूटर, चाहे आपका लैपटॉप, अगर आपने एक बार उसके सिस्टम में डाल दिया, तो समझ लो पूरा वो सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैटरस्फ्लाइट के थ्रू आप वायरस बना सकते हो, एकदम बहुत खतरनाक, देन अनडिटेक्टेबल वायरस, ऐसे वायरस जो कि कोई सा भी एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, बस करते आपको अच्छे से चलाना और बनाते आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन मैटरस्फ्लाइट के थ्रू आप लिसनिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता लिसनिंग होता क्या, तो देखो गाइस, लिसनिंग ऐसी चीज़ होती है जब आप कोई वायरस बनाते हैं, फिर के लिए पेलोड्स बनाते हैं, आप जिसके सिस्टम में डालते हो, तो आपको यहाँ पे मैटरस्फ्लाइट के थ्रू आपका फुल कंट्रोल रहता है। आप लिसनिंग करते हो कि वो इंसान क्या कर रहा है जिसके सिस्टम में ये हमारा पेलोड्स डाला है। जी दोस्तों, गाइस और भी काम बहुत सी कर सकते हो। गाइस हमको मैटरस्फ्लाइट में हमको बहुत सी चीज़ देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आपको एक्सप्लॉइट हो गया, पेलोड्स हो गया, नूब्स हो गया, आउटलेर्स वगैरह, आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो बस गाइज, ये थी हमारी एक मतलब शुरुआत वाले वीडियो। लेकिन गाइज, हम वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दो और मैं आपको दिखाऊंगा मतलब मैटरस्फ्लाइट एकदम आपको फ्लो चार्ट में, यानी मैटरस्फ्लाइट में एक्चुअली में होता क्या। सिंपली डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, देन मैं आपको यहीं पर आपको एकदम सब चीज़ समझाऊंगा, ताकि आपको एकदम सब समझ में आ जाए विद द हेल्प ऑफ इमेज की फॉर्म में। तो गाइज, चलते अपने डेस्कटॉप की ओर। हाँ गाइज, माय नेम इज सूरज एंड यू वॉचिंग माय चैनल ऑफिस गियर सूरज रात। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। Disclaimer, this video make for only educational purpose. I am do not promote any illegal activities. और हाँ गाइज, इस वीडियो में आपको मैटरस्फ्लाइट डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, इस वीडियो में खाली आपको मैटरस्फ्लाइट के बारे में बताऊंगा। और गाइज, अगर आप मैटरस्फ्लाइट को अपने टैमक्स एप्लीकेशन या फिर के लिए एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज आपको यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी कि आप मैटरस्फ्लाइट को अपने फोन एंड्रॉइड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करें। इस वीडियो में सिंपली हम देखेंगे मैटरस्फ्लाइट के बारे में। अगली वीडियो अगर आप चाहो कि आपको नहीं बन रहा कि सिंपली फ़ोन में इंस्टॉल कैसे करें, तो मेरे को बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो गाइज, चलते हैं अपने डेस्कटॉप की ओर। सो गाइज, आ चुके अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ अपने वर्ड में। तो गाइज, जैसे कि देख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैटरस्फ्लाइट फ्रेमवर्क की पूरा एक डायग्राम बना के रखा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा मैटरस्फ्लाइट फ्रेमवर्क। जी हाँ दोस्तों, गाइज आप यहाँ से देख सकते हो, गाइज जो मैटरस्फ्लाइट फ्रेमवर्क है गाइज, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। और गाइज, इसके मोस्टली टू पार्ट्स हैं। नंबर वन है हमारा MS Venom। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन हो गया हमारा MS Venom और सेकंड हो गया हमारा MS Console। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर वन Venom हो गया और देन नंबर सेकंड हो गया हमारा MS
कंसोल गाइस थोड़ा यहाँ पर बिकॉज थोड़ा इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों गाइस। जैसे आप देख सकते हो, नंबर हमारा MSF वेनम, सेकंड हमारा MSF कंसोल गाइस। ये हमारे पार्ट्स होते हैं मैडस फ्लाइट के। जी हाँ दोस्तों गाइस, हम बात करते हैं नीचे गाइस। यहाँ पर लिखा पेलोड्स, तो गाइस जो MSF वेनम है इसका एक पार्ट्स है पेलोड। वैसे तो गाइस इसके बहुत से पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेलोड्स हो गया, इनकोड हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, फिर कह लिए इनक्रिप्ट वगैरह, और फिर क्या इसको इनकोड वगैरह, गाइस इसमें बहुत से होते हैं। लेकिन जो मोस्टली होते हैं ये ओनली 4 प्रकार के होते हैं मोस्टली। अब हम बात करते हैं कि पेलोड्स होते क्या हैं गाइस। जो पेलोड्स होते हैं गाइस, कह लीजिए एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी सिस्टम में, या फिर कह लीजिए किसी भी फ़ोन में, फिर किसी भी सिस्टम में जाता है तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर करता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पेलोड्स बनाया विंडो के लिए और आपने वो विंडो में डाल दिया, तो आपका विंडो का एक्सेस पूरा दूसरे के में चला जाएगा जिसने वो भेजा है। फिर चाहे आपका विंडो का हो, चाहे आपका फ़ोन का हो, या फिर लैपटॉप किसी का हो, इट डज नॉट अ मैटर। मतलब विंडोज़ तो गाइस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आता है हमारा इनकोड। बात करते हैं इनकोड होता क्या है गाइस। जब हम पेलोड्स बनाते हैं तो आपको पता है, जब हम पेलोड्स बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बैड करेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। बैड करेक्टर क्या होते गाइस? सिंपली बैड करेक्टर वो होते हैं जब हम किसी सिस्टम में अपना पेलोड्स डालते हैं तो जो सिस्टम में एंटीवायरस होता है उनको डिटेक्ट कर लेता है, किसके थ्रू? बैड करेक्टर के थ्रू। तो गाइस जो इनकोड होता है, इनकोड बैड करेक्टर को हटा देता है, फिर कह लीजिए बैड करेक्टर के ऊपर एक लेयर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने पेलोड्स में 10 बार इनकोड किया है अपने पेलोड्स को, तो जो आपका पेलोड्स है उसको 10 मतलब उस पेलोड में 10 बार लेयर चढ़ा देगा इनकोड कीजिए दोस्तों, यानी 10 बार इनकोड कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इनक्रिप्ट की, यानी इनक्रिप्ट होता क्या गाइस। इनक्रिप्ट भी सिंपली कुछ कुछ हमारे इनकोड की तरह ही काम करता है। जी दोस्तों, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है गाइस। अगर हम अपने पेलोड को इनक्रिप्ट कर दें तो गाइस उसमें क्या होता है, जो इनक्रिप्ट होता है तो गाइस उसमें हैशेस की फॉर्म में हो जाता है, आपको पता है इनक्रिप्ट है, तो उसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है, हमके पेलोड्स को ज़्यादा और अनडिटेक्टेबल्स हो जाता है इनकोड के थ्रू। और फिर आता है हमारा स्क्रिप्ट गाइस। आपको स्क्रिप्ट तो पता ही होगी, स्क्रिप्ट होती क्या है सबको पता है गाइस। स्क्रिप्ट सिंपली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑटोमेट चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको अपने सिस्टम की आईपी देखनी है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप जाओगे यहाँ पर सर्च में, यहाँ पर सर्च करोगे CMD, देन CMD के बाद यहाँ पर सिंपली आप लिखोगे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करा दूँ, यहाँ पर लिखोगे सिंपली आप, एक सेकेंड, आप यहाँ पर लिखोगे IFConfig, एक सेकेंड IP गाइस। मैंने लिनक्स का कमांड डाल दिया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि लिनक्स और ये मतलब थोड़ा सिमिलर है ना, इसलिए थोड़ा लिनक्स का डल गया। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमारा IP ये लिखा 192.168.56.1 गाइस, ये हमारे क्लास 3rd की IP जो कि प्राइमेट IP है। तो गाइस अब बोलोगे भाई ये क्या है गाइस, ये हमारी स्क्रिप्ट होती है। कि अगर गाइस आपको यही चीज़ स्क्रिप्ट के थ्रू करना था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ स्क्रिप्ट बताई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ओपन करोगे CMD और आपको यहाँ पे लिखा 0.1, यानी जब भी आप CMD ओपन करो तो उसमें 0.1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। उसके बाद आप CMD में आप यहाँ लिखोगे IP config, तो क्या होगा जब आप IP config लोगे, देन उसके बाद क्या होगा, सो योर IP एड्रेस, फिर आपकी IP एड्रेस होगी। सो इसी प्रकार आपने मतलब मैंने आपको दिखाया था ना, मतलब मैनुअली कैसे होता है। अब ये सिंपली हमारी बनी स्क्रिप्ट। अगर हम स्क्रिप्ट को अप्लाई करें तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको स्क्रिप्ट क्लिक करना, ऑटोमेटिकली हमारी हर चीज़ होती है हो जाएगी। जी दोस्तों, स्क्रिप्ट के थ्रू। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा स्क्रिप्ट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद आता हमारा MSF कंसोल गाइस। हमारा वेनम का पार्ट खत्म, अब हम बात करते हैं MSF कंसोल के बारे में गाइस। फर्स्ट हमारा एक्सप्लॉइट गाइस। एक्सप्लॉइट होता क्या है, तो कह लीजिए एक्सप्लॉइट किसी भी चीज़ को ले जाने का काम करता है। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ मतलब एक्सप्लॉइट और पेलोड्स में क्या डिफरेंट होता है, तो गाइस जो एक्सप्लॉइट होते गाइस जो हमारे पेलोड्स को ले जाने का काम करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉकेट है, रॉकेट हमारा होगा एक एक्सप्लॉइट, और लेकिन जो उसमें जो भरा जाता है जो बारूद, वो होता हमारा पेलोड्स, यानी जो बारूद है उस बारूद को एक्सप्लॉइट लेके जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। इसके बाद आता हमारा लिसनिंग। लिसनिंग होता क्या है गाइस, जब भी हम अपने पेलोड्स को किसी के फ़ोन में या फिर सिस्टम में डालते हैं तो जो वहाँ से रिवर्स कनेक्शन आता उसको हमको सुनने के लिए लिसनिंग करते हैं, यानी सिंपली जिसके सिस्टम में हमने अपने पेलोड्स डाला तो वहाँ से कनेक्शन आएगा कि मतलब किस पोर्ट्स पर हमको कनेक्ट होने चाहता है वो, जो सिंपली जिसके फ़ोन में डाला वो इंसान हमसे कितने पोर्ट्स पर या फिर कहाँ पर कनेक्ट होना चाहता है, तो वहाँ पर हम लिसनिंग करते हैं। इसके बाद आता हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइट। पोस्ट एक्सप्लॉइट सिंपली जब होता है
बाद जब हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर लेते अपना फुल कंट्रोल बना लेते उस सिस्टम पर, फिर उसके बाद आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसी प्रकार ऑक्सिलरीज होती है नोब्स का, ऑक्सिलरी सिंपली हमारे स्कैनिंग के काम आता है, इसी प्रकार हमारा नोब्स आता है। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया मेटास्प्लॉइट के बारे में, कि मेटास्प्लॉइट बहुत बड़ा एक सिंपली कह लीजिए एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और हाँ गाइज, आगे आपको और चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी रिगार्डिंग टू MSF वेनम के या फिर कॉन्सोल के बारे में। गाइज मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे एक अच्छा पेलोड्स बना सकते हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी सिस्टम पर, आपको एकदम फुल एक्सेस करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों गाइज ऑलरेडी वीडियो लंबी होगी, अगर वीडियो लंबी नहीं होती तो मैं आपको हर चीज़ सिखाता था, बट अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर। तो गाइज मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।